बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक तक बेहद मामूली प्रीमियम में बीमा की सुविधा पहुंचाना था। तो चलिए जान लेते हैं इस बीमा योजना के कुछ मुख्य मुख्य बातों को। सबसे पहले बात करते हैं कि ये योजना किसके लिए है, यानी कि कौन इसे ले सकता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है वो इस बीमा का लाभ ले सकता है, लेकिन उसका किसी न किसी बैंक में एक खाता जरूर होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस बीमा के लिए हमें कितना चुकाना पड़ेगा, यानी कि कितना पैसा हमारा कटेगा। तो इसके लिए आपको हर साल 330 रुपये का प्रीमियम अपने खाते से पे करना होगा। अब सवाल उठता है कि ये पैसा 330 रुपये कैसे कटेगा। तो ये आपके खाते से हर साल ऑटो डेबिट के जरिए कटेगा, यानी कि अपने आप कट जाएगा। आपको हर साल जा कर के इस पैसे को बैंक में जमा नहीं करना है, ये आपके खाते से ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट के जरिए कट जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बीमा से हमें क्या फ़ायदा है। तो इस बीमा में अगर किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उसको 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। इस बीमा की जो मैच्योरिटी है वो 55 साल है, यानी कि 55 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है, हर साल 330 रुपए पे करना है 55 साल तक। अगर 55 साल तक आपको कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, तो फिर इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए अब इस बीमा की अवधि के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी अवधि 1 साल की होती है और ये 1 साल जो है 1 जून से लेकर अगले साल 31 मई तक होता है। लेकिन यदि आप पहली बार इस बीमा के लिए अपने आप को इनरोल करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने फरवरी में इनरोल किया तो आपका जो पहला कवरेज रहेगा वो 31 मई तक रहेगा और फिर 31 मई के बाद पूरे 1 साल तक के लिए रहेगा। इस बीमा को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सीधे अपने बैंक के ब्रांच में जाना होगा। वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करके अपने ब्रांच में जमा कराएंगे तो आपका ये जो बीमा है ये शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। शुक्रिया।